न्यूज फोर सिटी में आपका स्वागत। कोरोना महामारी को रोकने के लिए पूरे देश में 21 दिनों के लिए लॉकडाउन किया गया है और जनता से अपील की गई है कि वो सामाजिक दूरी बनाए रखें और सब अपने अपने घरों में ही रहें। लेकिन लॉकडाउन के नाम से जनता इतना भयभीत है कि सरकार व डॉक्टरों की हिदायतों को दरकिनार करते हुए अपने अपने राज्यों में पैदल ही पलायन कर रही है। राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित जगदीश शर्मा ने कहा है कि जनता का यह रवैया देश को और मुसीबत में फंसा सकता है। पंडित जगदीश शर्मा ने जनता से पलायन न करने और सरकार का सहयोग देने की अपील की है। दोस्तों, राम राम। कोरोना से थोड़ी बहुत लड़ाई शुरू करी, इसकी दवाई तो नहीं है पर इसकी दवाई आप ही हैं। इसकी दवाई एक ही है कि एक दूसरे से दूरी बनाओ, घरों में रहो। प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये खुशी मना जश्न मनाने का टाइम नहीं है, ये सबको इकट्ठे होकर इससे लड़ने का टाइम है। उसके लड़ने का एक ही इलाज है कि आपस में दूरी बनाओ और घरों में रहो, शांति से रहो। हम इसको हरा देंगे, हम इसको भगा देंगे, यही इसकी दवाई है। और दवाई पूरे देश में कहीं नहीं है। दूरी बनाओ, परिवार के साथ घर में रहो, रोडों पर ना निकलो। ये अपील है, इसको समझो, यही इसकी दवाई है। और जिस तरह से लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं भीड़ भड़क में नहीं जाना। प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा कि आप गली मोहल्ले में जाकर टोलियां बनाकर ढोल बजाओ, वो गलत किया आपने। आगे ऐसा नहीं करना है। और मैं समझता हूँ हमारे सिख भाई जिनका बहुत बड़ा रोल रहता है गुरुद्वार में लंगर 24 घंटे लगाते हैं, उनसे अपील करता हूँ, जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो हमारे जिनके पास खाना नहीं है, उनको कम से कम बांटने की तैयारी करें और एक ऐसा माहौल बनाएं कि घर घर खाना पहुँचाए जहाँ खाना नहीं है। सरकार का पता नहीं करे ना करे, पर आप जरूर करें, क्योंकि ये हम सबका दायित्व बन जाता है। बड़ी खुशी की बात है कि जब देश पर आपत्ति विपदा आती है तो पूरा देश एक हो जाता है। इसे ही भारत कहते हैं, यही भारत की संस्कृति है। हम सबको इकट्ठा होकर कोरोना से लड़ना है और लड़ना यही है कि इसके जो उपचार है वही करने हैं। घरों में रहना, बाहर नहीं निकलना है, चाहे समय लग जाए पर जान और भारत तो बच जाएगा। जय हिंद, जय भारत।